शिव और शक्ति, अब जब आपकी कहानी में हो जाए सब कुछ ठीक, तो आप दोनों कैसे मनाएंगे संडे की छुट्टी? अगर मेरी बात माने ना, तो आप निकल जाएं कहीं दूर, किसी हिल स्टेशन पर। मिलेगा आप दोनों को एक ब्रेक अपनी लाइफ के ड्रामा से, और हाँ, चैन की सांस। तो चलिए इसी बात पर जानकर आते हैं, कहानी का अपडेट लेकर चलते हैं आपको शिव और शक्ति के पास। सीटीवी के सीरियल प्यार का पहला अध्याय शिव और शक्ति में आखिरकार शिव और शक्ति की शादी हो गई। इसके अलावा कीर्तन और रिमझिम भी शादी के बंधन में बन चुके हैं, और आज हो रही है दोनों बहनों की विदाई, जिसके बाद पूरा परिवार इमोशनल हो गया है। जरा देखिए कैसे चाची जी शक्ति और रिमझिम का हाथ पकड़कर रो रही हैं। मौका ही इमोशनल होता है और परिवार के आंसू अपने आप निकल ही आते हैं, और इसी बीच शिव भी अपनी शक्ति का सहारा बन रहे हैं। जरा देखिए कैसे उनका पांव फिसलने ही वाला होता है कि वो उसे संभाल लेते हैं। भाई पति और पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, एक तरफ चाह घर का माहौल इमोशनल है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरा की चाल इस मौके पर ठीक नहीं लग रही। जरा देखिए कैसे वो अपनी काहिया नजरों से पलट पलट कर देख रही है, जैसे कि उसने कोई शातिर चाल फिर एक बार शिव और शक्ति के खिलाफ चली हो। तभी तो आज शिव का बेटा भी इस मौके पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नंदू आ जाता है, जो शिव के बेटे को अपने साथ लेकर चला जाता है। केशव का बेटा मुसीबत में फंसने वाला है और इन सब का इल्जाम शक्ति पर लगेगा, ये देखना कहानी में आगे काफी दिलचस्प होगा। कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल? कल तो हम मनाएंगे मकर संक्रांति का त्यौहार आपके साथ, और लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आपको तो पता है ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।